भाई 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 मत करो मत करो, ठीक है ठीक। वो क्या सामने ब्लेज है? हेलो 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 एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नए माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड में। तो आज का दिन काफी ही खास है, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास है काफी सारे डायमंड्स जो कि अभी नीचे पड़े हैं, तो इनको लेते हैं उठाओ और इनसे आज हम बनाने वाले टूल्स और आर्मर, वो भी डायमंड, क्योंकि डायमंड से डायमंड के ही बनेंगे। बट उससे पहले अपन मिल लेते अपने फ्रेंड से। भाई और क्या ले लोंडे, ठीक है सब कुछ? हाँ हाँ बोला भाई, हाँ ठीक है सब कुछ। पर तभी मारियो मत, इतना प्यार काफी है, इतना खराब निशाना। चलो कोई नहीं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई, आज तेरे को थोड़ा टॉर्चर करूंगा, कुछ पूछना है तेरे से, टॉर्चर नहीं प्यार से पूछना है, कोई नहीं। तो चलिए उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइडेड तो है ही, डिस्कस कर लेते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। तो आज का ऑब्जेक्टिव काफी ही सिंपल है, जैसे कि हमेशा होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमको लेना है रिवेंज अपने उन इसके ब्रदर्स, अरे 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 ये क्या हुआ, नहीं इसके ब्रदर है ना, उनसे लेना है रिवेंज। रिवेंज का मतलब ये नहीं उनको मारना है, ये तो स्पोन ही होता है, उनको मारना नहीं है, बट उन्होंने वहां पे छुपा के रखा ना ऊपर चेस्ट में, हमको बस उसको लूटना है। तो हम वही करने वाले, एंड उसी के साथ जैसा कि डिस्कस किया था, आज हम जाने वाले नेदर पोर्टल तो बिल्ड करके नेदर में जाने वाले हैं। तो आज हम बिल्ड करेंगे नेदर पोर्टल और जाएंगे नेदर, देखते हैं कैसा स्पॉन मिलता है नेदर में। यही है, और अभी घर भी अपना वैसे ही पड़ा है जैसे पहले था, कोई नहीं इसको अभी का टाइम मिला तो थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे, अभी तो कम्प्लीट भी नहीं है, कम्प्लीट भी करना है इसका। तो चलिए पहले तो ना जो अपना मेन काम है वो कर लेते हैं, जो कि है इस डायमंड, इन डायमंड से बना लेते हैं अपना डायमंड का आर्मर। तो एक बना लेते हैं अपना हेलमेट, तो बना लो, जगह ही नहीं है, जगह खाली कर लेते हैं यार। ये सारा कोबल्ट डीप स्लेट रख देते हैं अंदर, ठीक है, टफ था काफी, ठीक है ओके। इसी बार तक काफी कुछ मिला था अपना, दूसरे चेस्ट में जगह है क्या? आयरन इधर रखते हैं, ब्लॉक ऑफ आयरन इधर है, ये आयरन तो चाहिए, इसको स्मेल्ट कर लेते हैं, कर लेंगे कोई टेंशन नहीं। और अपना रेडस्टोन ऊपर वाले में ही रख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा रेडस्टोन मिला यार, लापिस उठा लेते, पिछली बार इधर रखी थी ना काफी, हाँ ये यार कितनी सारी तो पड़ी है यार। तो इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक बच गया, फिर भी एक बच ही जाएगा, कोई नहीं है, रख देते हैं। और ये अभी टोटल 12 ब्लॉक, इसको रख देते हैं यहाँ पे, लैपिस को भी रख देते हैं, ये भी काम का नहीं है अभी तो, ओ ये भी नहीं है, बाकी गोल्ड को भी स्मेल्ट कर लेते हैं, गोल्ड और ये क्या कहता था, आयरन दोनों को स्मेल्ट कर लेते हैं, पहले गोल्ड कर लेते हैं और उसी के साथ ये पड़ा है ना आयरन को भी स्मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपने आर्मर, इन्वेंटरी काफ़ी खाली होगी, पहले बना लेते हैं एक हैमलेट, यस हैमलेट ये एक बन गया, ठीक है। फिर एक चेस्ट प्लेट, ये भी आ गया, इसको रखते हैं इधर, ठीक है। और एक को फिर बना लेते हैं शूज, ठीक है बूट्स, और एक बच के लेगिंग्स, ठीक है अब बना लेते हैं लेगिंग्स, ठीक है। अभी हमारे पास बचे 7 ही डायमंड, तो अभी बनाते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि एक पिकेक्स, वो बना लेते हैं भाई, पिकेक्स के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, धरे के धरे रह जाएंगे आज के हमारे प्लान। तो अरे इसको पहनते कहते हैं, अरे नहीं पता, चले ऐसे पहन लेते हैं नॉर्मल, रिप्लेस कर देते हैं अपने वाले, देखते हैं अरे आयरन के आर्मर से क्या है, कुछ निकली निराज जुबान से, चलो कोई नहीं। तो अपनी पिकेक्स भी यहाँ पे है, और एक और चीज बना सकते हैं यार, एक सोर्ड भी बनानी मेरे को, तो उसके लिए स्टिक्स नहीं है ना, तो स्टिक्स बना लेते हैं भाई काफी सारी, क्योंकि ना सोर्ड काफी बढ़िया चीज है जब हम ग्रुप में कोई आते हैं, एक एक के लिए तो एक्स भी अच्छा है, तो स्वॉर्ड बन गई अपनी। अब ये भाई इतने सारे डायमंड से 2 ही बचे, इनको संभाल के रख देते हैं, कम से कम कुछ हो, ये तो बचनी चाहिए, और ये अपना पुराने वाला भी रख देते हैं इधर, कोई इशू नहीं है। तो अभी पहले तो 100 लेते हैं,
भी सोने नहीं देगा क्या? हाँ पहले लेते हैं इसको, फिर देखते हैं अपने। तो भाई साहब क्या हैंडसम लग रहे हैं ना इसमें, शाइनी शाइनी बिल्कुल मस्त। चल भाई अब अपन करते हैं अपना पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो उधर एक चेस्ट रहेगी भाई उनके इलाके में, उससे पूछे। हाँ भाई ओ बताओ उसमें क्या था चेस्ट में, कुछ बता दे भाई। नहीं पाएगा यार, बस कर बस करेगा ना, इसने तो बताया नहीं यार। चलो हम खुद ही देख लेते हैं चेस्ट में क्या है उनके। बस यार वो बहुत ही जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, बस एक ही चीज़ रखनी, जल्दी से जाना और जल्दी से निकलना है वहाँ से। अपनी वाटर बकेट तो है इधर, ठीक है शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीज़ मिल जाए। काम की तो पता नहीं कितनी, तो देखते हैं अपने को गोटोन मिलता भी है कि नहीं, और मिलता है तो किस टाइप का मिलता है। और इस बार की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल भाई, पहले तो हंगर फील कर लें, ठीक है सीधा अंदर घुसना है। और उसके साथ वहाँ पे ब्लॉक्स कहाँ पे अपने पास, ब्लॉक्स नहीं लेके आया? चलो इससे कर देंगे उसको ब्लॉक कर देंगे, तो ऊपर से भी आ गया ना तो इश्यू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी अंदर घुसना है, ऊपर चलना है और ब्लॉक कर देना है यार, ये ना पास में रखना ऐसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलो हमला करते हैं भाई। भाई 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 मत करो मत करो, ठीक है ठीक है। भाई बहुत इजी था ये तो, बट भाई अभी तो नीचे इकट्ठे हो गए होंगे यार, पर इससे पहले नीचे गिरता हूँ, पहले देख लेते इसमें क्या कुछ मिलता है। हाँ इंचेंटमेंट बुक एंड नोक, कौन सी है नॉकबैक वन, इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है यार ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आइटम, कहीं सबसे न्यू आइटम, भाई कहाँ पे आवाज़ आ रही है, डरा दिया। पहले बजाते हैं इसको, देखते हैं कौन से। भाई क्या मस्त साउंड आती है, कौन सा सीख, ठीक है भाई पहले ना अभी जल्दी जल्दी लूट इस चीज़ को, तो ले अपने ब्लॉक भी रिकवर हो गए, आलू भी रख सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। बट इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मिल गया, एरोस ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ओ अभी इधर तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए होंगे, हैं कोई नहीं, ये तो पेलने को तैयार हो रही है। क्या करें यहाँ पे पानी डालते हैं, लैंडिंग तो सही होगी बट पानी नहीं उठा। कोई नहीं कोई, अभी एक दो को तो मार के जाएंगे यार, कोई पीछा नहीं कर रहा है, बस इतना सही नहीं यार, किसी को तो मार के जाएंगे, एक दो से तो फाइट करते ही हैं, मतलब पहले ये फूल भी ले लेते अपने डाई वाई। अभी ना एक शीप फार्म भी बनाना है, मतलब शीप नहीं वूल फार्म भी बनाना है ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे आ जाएगा ये कलर करने के। बड़े उच्च कहाँ पे हो भाई, मेरे को तो लगा हो कलर ने पीछा ही नहीं किया भाई, उनका सब सामान लूट लिया, कैसे बावड़ी बूच है। अरे दो आ गए, चल हैं तो बावड़ी बूच वहीं पे हूँ हूँ करते रहते हैं। थोड़ा पीछे आके गया एक तो, ये लो इनका तो कर दिया काम, ठीक है भाई। ऐसे तो बुरी हालत कर दी उन्होंने मार मार के, कहाँ कहाँ पैर लगाया भाई। चलो इतना बहुत है, मैं से एरो वेरो तो एक दिन मिलेगा, ये ड्रॉप भी कुछ नहीं करते यार। चल भाई अपना पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, इस बार
इजी था थोड़ा। चलो ये पहली बार है जो इतना जल्दी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है। एंड 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 क्या एंड कर रहा था। हाँ ये तो साइड ऑब्जेक्टिव था यार, इतना इजी नहीं, बट मेन ऑब्जेक्टिव है अपने को जाना है नेदर में, और नेदर से लाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम। नहीं नहीं ब्लेज रोड नहीं, ब्लेज रोड भी लाएंगे कभी, बट उससे भी इम्पोर्टेंट, मतलब उससे इम्पोर्टेंट नहीं, उसके जितना ही इम्पोर्टेंट आइटम है जो कि काम आने वाला है हमारे बिल्ड करने में काफ़ी सारे ऑटोमेटिक काम, सारे नहीं बट काफ़ी सारे, और वो है क्वाड। उससे बनाने वाले हैं डिस्पेंसर्स और क्या कहते हैं ऑब्जर्वर्स वगैरह, और उसी से बनाएंगे अपना वुल्फार्म। तो वुल्फार्म बाद में बहुत काम आएगा जब हम एंशिएंट सिटी को विजिट करेंगे या ढूंढेंगे, और वो भी हम करेंगे पर पता नहीं कब भाई, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, ट्राई करेंगे बीच में, बट वही है कम मौका मिलता है कुछ पता नहीं। तो अपनी बकेट में पानी भर लेते हैं यहाँ पे, और नीचे एक ना पूल है लावा का, यहाँ पे आवाज़ आती रहती है, तो उसी से कन्वर्ट करके हम बनाने वाले हैं करते अपना ऑब्सीडियन, और फिर जाने वाले हैं हम नेदर में। तो चलिए काफ़ी सारे मतलब 20 काफ़ी सारे क्या 20 ऑब्सीडियन अभी हमारे पास हैं, तो अभी अपन बना लेते हैं एक क्या कहते हैं अपना बना लेते हैं। पहले इससे लड़ाई करते हैं, कुछ देखे गया क्या? कुछ ही नहीं देखे गया, रिस्क भी लिया बट काहे का रिस्क। ठीक है तो अपन सबसे पहले ना थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं नेदर जाने के लिए। तो एक और क्या था ये कुछ दे दे। अरे अरे बाड़ी बूझ किधर भाग रहा था, इतना डर लग रहा है क्योंकि तो अभी इधर भागिया मत। यार किधर किधर जा रहा है यार, अरे हाँ रुक 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 रुक, अरे किधर किधर भगा रहा पागल ही है यार, इतना भगाया चला गया क्या अभी, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो कहाँ पे थे हम? हाँ प्रिपरेशन कर लेते हैं जाने से पहले। तो भाई वहाँ पे हम ब्रेड तो लेके जा सकते हैं, बट ब्रेड में इशू ये है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी भूख लग जाएगी, तो इसलिए पहले ना काव को कर लेते हैं ब्रीड, जिसके लिए अपने पास है काफ़ी सारा भाई वो दे तक ना मीट है, तो इससे कर लेते हैं ब्रीड, और फिर अपन जो बचेंगे ना बड़े बड़े वाले उनको भी सेक्रीफाइस करके उनको लगाएंगे अपना मीट, तो उसको पकाने वाले हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं कुक। अपन आयरन हो गया 21 ये, और अपने पास 18 स्टिक पहले से ही हैं, उनको भी ठीक है इसमें से ये दो कोयला डाल देते हैं यहाँ पे। तो अभी दूसरी तैयारी तो क्या है, अभी देखते हैं कहाँ पे बनाना अपने को। मैं सोच रहा हूँ अपने घर के आसपास ही बनाते हैं इधर, ऊपर बनाएंगे साइड में, ठीक है। नेदर पोर्टल ठीक है, ये अच्छी जगह लग रही है, ऊपर थोड़ा सा कोयला भी है, तो कोयला तो अपने को चाहिए, तो वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर टेक्सचर में कुछ डिफरेंस है मतलब है कि नहीं वो पूछ रहा था, तो कुछ नहीं मिलता ना। और अगर अपन अच्छे से ठीक है, एक ही है क्या? तो अपन बनाते हैं इधर, यहाँ पे बनाएंगे अपना नेदर पोर्टल, सही जगह है ठीक है। पहले इसको थोड़ा अच्छे से जगह बना लेते हैं, और उसको कवर भी करना पड़ेगा भाई। चल कोई नहीं, कहीं पता लगे ऊपर से कुछ स्पॉन होके सीधे माथे पे गिर रहा, सिर पे गिर, इधर बनाएंगे अपन। तो उसके लिए जगह बना लेते हैं,
भी नहीं उठेगा। ये रखते हैं यहाँ पर और अपने लगाते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, दो तीन चार पाँच आई गेस, एक दो तीन चार पाँच, ये बस शायद आई गेस प्रो प्रो क्या अपना फ्लिंट एंड स्टील तो है नहीं, चल इसको बाद में लाइट अप करते हैं, पहले अपना खाना वाना इकट्ठा कर लेते हैं और साथ में ना प्रिपरेशन कर लेते हैं जैसा कि पहले बोल रहा था। तो प्रिपरेशन में अपन क्या करने वाले हैं, एक तो होना चाहिए अपने पास खाना, ठीक है, और दूसरा एक में ना गोल्डन हैमलेट होना रहता है, गोल्डन हैमलेट तो फिर खाली करते हैं इन्वेंट्री, फूड रख लेते हैं काम आ जाएगी, इसको जाने देते हैं और इसको भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाँ। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको अभी क्या ही करना है, बोटो हम को संभाल के रख देते हैं, वहाँ पे मर गए तो दिक्कत हो जाएगी, ये भी नहीं चाहिए, दूसरी चेस्ट में रखेंगे, ये भी नहीं, गोल्डन गोल्ड चाहिए, कैरेट भी नहीं चाहिए अपने को, कॉल चाहिए, कोबरसोन भी चाहिए, कहना है बोट भी रख ही लेते काम आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ऑब्सीडियन, अच्छा वो वहाँ से मिले थे ऑब्सीडियन, इसको भी रख लेते हैं, क्या तक कहीं पे पोटली बनाना पड़ जाए, अपने पास आयरन है और फ्लिंट भी, तक फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं, एक फ्लिंट और एक आयरन, ठीक है, ये बन गया फ्लिंट एंड स्टील, एंड एक बनाना मेरे को गोल्डन हैमलेट, और वो क्यों, क्योंकि नेदर में आते हैं पिगलिंग्स, उनको वैसे तो ऐसे कुछ नहीं बनानी अपने से, बट भाई अगर गोल्डन की कोई चीज़ नहीं पहनी तो वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, और कुछ भी गोल्ड का माइन किया या चेस्ट ओपन किया तो फिर भी फोड़ देंगे अपने को, वो तो बात की बात है, पर कहीं जाते पिगलिंग सामने और अपनी लेनी शुरू कर दी, उससे पहले गोल्डन का मतलब तो मैं पहन के जाने वाला हूँ ये चीज़ें, मतलब आयरन का कहते हैं आयरन का सामान लेने जाने वाला, गोल्डन को कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा, पता चले वहीं पर जाके मौत होगी और या डायमंड के सामान भी गया, चेंज कर लेते अपना आर्मर ये, ठीक है, और एक पिकेक्स भी चाहिए, हाँ तो वहाँ पे पेक थी, चेंज कर लेते हैं ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर, एन 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 क्या है, हेलमेट अपन दूसरा पहनने वाले कहाँ पे गए, गोल्डन का, ठीक है, नाइट हो चुकी है तो भाई इसको टेक कर लेते हैं, कवर मी इन डायमंड्स, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपने पास है अभी के लिए, अच्छा ये अपना रखना भी था वापिस, इसको रखते थे वापिस यहाँ पर, इसको भी और इसको भी, ठीक है, अपने पास अभी बना लेते हैं पिक एक्स, एक बोता है अभी के लिए आयरन की, ठीक है, जरूरत पड़ी तो और बना लेंगे, वुड है, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट आइटम भी चाहिए, इससे पहले तो नहीं, उसी के साथ अपने पास, अरे वो कहाँ पे गए, कोबल से मैं कोबल तो स्पेसिफिकली इसलिए लेकर जाना चाहता हूँ, उनका टेक्सचर काफ़ी अलग है, बट 58 भी चले जाएंगे, और कुछ और काम होगा तो अपन ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो खाना इधर रखने, ये वाला चलेगा, 18 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले हैं उसमें, क्या कहते हैं अपने नेदर में, तो स्पॉन देखना कैसा, और एक आइटम लेके आनी वहाँ से, उसके बाद रिटर्न करेंगे अपने घर को। तो अपन क्या है अपने पास, क्या बच गया था, ये भी रख के चलते हैं, इसका भी क्या ही काम है, ये भी लॉक हो जाएंगे नहीं तो, इसको भी रखते हैं वापस, ये क्या कॉर्नफ्लावर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके भी नहीं जरूरत है, फ्लिंट एंड स्टील चाहिए, बकेट चाहिए, वाटर तो पता नहीं वहाँ पे काम आएगा कि नहीं आएगा, इनको भी रख लेते हैं, रख ही लेते हैं बाकी वाले को, ठीक है ठीक है। तो अभी बना लेते हैं काफ़ी सारी टॉर्चेस, टॉर्चेस इसलिए ताकि हम कर सकें लेटअप अपने आसपास का एरिया, ठीक है, और वो एरिया है ये, यहाँ पे अगर रात रात को आऊँ तो वहाँ पे स्पॉन ना हो ज़ॉम्बी वगैरह। तो चलिए गाइस, अभी ना अपनी काफ़ी तैयारी, मतलब काफ़ी क्या पूरी तैयारी हो चुकी है, अपने पास आर्मर भी, आयरन का गोल्ड गोल्ड का हेलमेट है, सब कुछ है ठीक ठाक, तो चलो चलते हैं अभी फ्लिंट एंड स्टील से फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने नेदर पोर्टल को लिट अप करते हैं,
मतलब चलाते हैं फिर भाई, प्लीज 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 कुछ अच्छा सा सुकून दे दियो यार। वो बात की तो बाकी तो बात की बात है कि कैसे क्या करने वाले उसमें, ऐसे बिल्कुल हलचल सी हो गया, मन नहीं कर रहा जाने का, जाना ही पड़ेगा। प्लीज कोई लावा लेक ना हो यार, तो लावा लेक के ऊपर मत करना, अच्छी जगह देना। हाँ फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या मिलता अपने को। तो भाई साहब पूरे पॉपले इतना अंधेरा है, वो क्या सामने ब्लेज है? अरे वाह, नेदर पोर्टल भी पास में ही है। नेदर पोर्टल क्या, नेदर फोर्ट्रेस। भाई साहब क्या साउंड है यार, इतना मतलब बुरा मतलब फटने वाली साउंड यार। ये तो अच्छी जगह है यार, काफ़ी मतलब ढूंढना पड़ता तब जाके ये मिलता। तो अपन ना कुछ वोट तो ले लेते हैं यहाँ से। भाई क्या खतरनाक साउंड आती है, और यहाँ से लाइटें वाइटें भी खूब लेके चले हैं, और अपने नेदर पोर्टल ना खोदूँ मैं तो। उधर नेदर फोर्ट्रेस आएगा, ठीक है अपना कोऑर्डिनेट्स देख लेते पहले। ये है 123 या 120 मान लो, 120 120, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्पॉन मिल गया, यहाँ पे तो एंडरमैन की कमी भी नहीं होगी। अरे यार नेदर का फील अलग ही है भाई साहब, ऐसे चील्स आते हैं इसको देख के। बट अपन को ना अभी एक काम करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं अपना जो मेन आइटम है। तो अभी मैं ये इसलिए लेके आया था कि अपन वो कर पाए ये साउंड, कि अपन देख पाए कि अपन किस साइड में आए थे किस साइड में नहीं है। अरे वो भी काम की चीज़ अपनी, ऊपर चलेंगे भाई साहब। ये साउंड ना मेरा जान निकाल रही है, पर थोड़ा किधर गया वहाँ पे, यहाँ पे एंडरमैन काफ़ी है भाई, किसी की नज़र वज़र में चले गए तो। ऊपर है यार, वहाँ पे एंडरमैन भी है। तो अपन किस साइड जाने वाले थे यार, कहाँ पे? हाँ वो रहा काफ़ी सारा, ठीक है फ्यूम लाइट भी उधर वो रहा। तो ऊपर चले क्या, वहीं से लेते हैं, पर थोड़ा आसपास देखते हैं पहले तो, किस साइड दिख रहा है किस साइड दिख रहा है। उधर तो वो है दूसरे वाले कहते हैं बेसाल डेल्टा, उधर नहीं जाना। तो अपन को ये थोड़ा इस साइड में चलते हैं, उधर मिलेगा अपने, ठीक है। तो कोबलस्टोन इसलिए लाया था मैं, यहाँ पे रखते हैं वो, इस साइड लगाएंगे टॉर्च तो पता लगे कि हम इस साइड गए हैं, अपने को साइड जाना ना। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखने वाले ये, इधर बेसाल डेल्टा है भाई, खतरनाक ही चीज़ है, ठीक है उधर तो नहीं जाना। और एक रखते हैं यहाँ पे, और फेसल का एक टॉर्च, तो इसे मैं ना फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक टॉर्च हो रहा, अपने काम की चीज मिल गई। ये भी ओ ओ ओ नीचे लावा है भाई, ये भी काफी कौन सी वाइन है, ये हैं ट्विस्टिंग वाइन, इससे ऊपर जा सकते हैं बहुत इजीली। तो अपने काम की चीज तो नीचे भी है, बट ऊपर है, ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ से चलते हैं। तो इधर तो है कोबलस्टोन, बस अपने को ना उसमें निकलना लावा में। मेरे को लगा लावा है, डरा दिया यार। ये मिलेगा कैसे? मिला बट नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं। इधर तो लावा 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 भाई, इसको लगाते हैं भाई। यार साउंड मेरी तो जान निकली जा रही है यार इस साउंड से, यार ये लावा जैसा क्यों लगता है? ठीक है ये अपनी वही है ना श्रोम लाइट्स, हाँ श्रोम लाइट्स आ गए, ठीक है। ये तो अच्छा चीज़ हो गया यार, श्रोम लाइट्स मिल गई अपने को तेरी। हाँ 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 जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो मिल गई, बट नीचे आएगा लावा तो नहीं है फिर भी। ओ भाई सर
जगह तो अच्छी मिल रही है। अच्छा इस टाइप के फुटस्टेप्स की आवाज आती है भाई उसकी। चलो इस अरे ये तो बहुत इजीली टूट जाता है, माइन कर लेते इसको। अरे यार वही बात होगी ना, बड़ी कुछ ऊपर ऊपर और नहीं है कहीं के। अरे होल आनी चाहिए थी, होल आनी चाहिए थी। चल कोई नहीं भाई, कहीं नीचे वीचे ना गिर जाऊँ मैं। और तो किसी चीज़ की टेंशन, टेंशन तो बहुत है भाई। नीचे चले क्या? अरे इधर से आए थे, किधर से? इधर से आए थे। एंडरमैन भैया गुच्छा मत होना, ये सस्पेंस का क्या पेंच? शिकर गुस्सा नहीं है यार। ये जब जब एंडरमैन की फुटस्टेप्स की आवाज आती है ना भाई, क्यों जान, अब जान लेनी ऐसी ले ले यार। वहाँ पे नहीं, ओहो दिख ही गया एंडरमैन। ठीक है तो अपन अभी चलते हैं इस तरह। तो ओके इधर नीचे की तरफ। एंडरमैन भैया कुछ मत कहना, मैं आपका दोस्त ही हूँ, मैं आपसे दुश्मनी लेने नहीं आया हूँ, मतलब दुश्मनी करने नहीं आया। अरे यार अब क्यों ऐसे, क्यों डराते हो तुम? अपने वो रिकाम की चीज उसके लिए ब्रिज बना के जाना पड़ेगा क्या? जा सकते हैं, जा तो सकते हैं पर अपनी जगह को नहीं भूलना पड़ेगा। इससे पता लगेगा अपन किधर से आए, किधर से गए। आई गेस इधर जगह है। ओ भाई साहब कितना अंधेरा यार इधर तो। भाई साहब नेदर तो ना मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं है। इधर और भी था ना, कहाँ पे गया? ये रहा काफी सारा, काफी सारा। वहाँ पे आग लग रही है भाई यार, इसमें तो ट्रैवल करना ही पड़ा, जिंदा रहना वीडियो मुश्किल हो जाएगा। बस अभी चलते हैं यार बहुत जल्दी। तो एंडरमैन ने जान निकाल रखी है एक्सपीरियंस के। चलो 30 लेवल हो गए भाई। हाँ भाई नेदर एक एक बात तो अच्छा, अच्छा खासा सोर्स है एक्सपीरियंस का भाई साहब। ये नेदर का साउंड इसीलिए ये ठीक है, इसीलिए क्या इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता नेदर। अभी चलते हैं नेदर से बाहर। इधर तो लिटरली नजर झुका के ही रहना पड़ता है। इस जगह पे काफी लाइट थी बट उसकी भी अलग अलग आवाज आ रही थी। और अपना नेदर पोर्टल ऊपर तो इतने सारे एंडरमैन, यहाँ पे एंडरमैन नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेंगे? मारना चाहता भाई क्या होगा भाई? गुस्सा मत, अभी गुस्सा नहीं है ना, गुस्से की अलग ही साउंड होती है एंडरमैन। अभी चले वापस, अंधेरा हो गया यार उधर तो, अभी नहीं जाने वाला मैं। थोड़ा और वेट करेंगे फिर चलेंगे अपन वापस। माइनक्राफ्ट ना बिल्कुल भी बच्चों की गेम नहीं। चले अंदर वापिस। अभी अगर टाइम देखो माइनक्राफ्ट के हिसाब से तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे आया था, तो वहाँ पे अभी रात होगी, नहीं पता क्या होगा यार। देखते हैं देखते हैं। तो देखते हैं, चलो यार चलते हैं देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा।
घनी रात हो रही है तो कमजोर रात हो रही है। ऊपर एंडरमैन ठीक है। हाँ भाई मैं सही था, रात तो है ही। चलो अभी आ गया अपने घर पे सेफली। बट यहाँ पे कुछ स्पॉन हुआ तो दिख नहीं रहा था मेरे को यार, अभी अभी आया ना। पहले कुछ लोगों को स्पॉन होने देते हैं। ओहो हो भाई नेदर का एक्सपीरियंस भाई बहुत खराब था, अभी तो किसी से लड़ाई भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होंगे देखें। दिन भी होने वाला ही है। क्या बात, कोई स्पॉन नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता भाई साहब, इतने सारे तो हैं। नहीं पर ना बाकी स्केलेटन वेलेटन तो चाहिए। क्योंकि अपने को ना थोड़ी हड्डी वड्डी चाहिए, कोई डॉगी वोगी मिल गया ना तो। ठीक है भाई साहब, इतना टाइम लग गया एक को मारने में, तो क्या होगा फिर अपना? अच्छा लग रहा है अभी काफी सारों को मार के। ठीक है क्रीपर वीपर तो आसपास दिख नहीं रहा है बट अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो एंडरमैन इधर भी, इधर तो है तो अभी तो तेरे को देख भी लेता है। पर अरे यार कोई नहीं, अपन चलते हैं अपने अंदर पहले। और भाई क्या एक्सपीरियंस था भाई नेदर का, इतने गंदे गंदे साउंड होते हैं वहाँ पे, बुरी बुरी हालत कर दी है। चलो अपने को दो हड्डी भी मिल गई हैं, दो हड्डी से तो क्या ही होगा यार। ठीक है रोटन फ्लैश ये भी मार्क मिल गया, स्प्रिंग मिल गई है, क्वार्ट मिल गया भाई अपने को। तो ठीक है अपने एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए भाई, कर ही दीजिए यार। आज तो बात भी नहीं हो पा रही यार नेदर में कैसे मैं अपना, मतलब बहुत शुक्र है कि नेदर फोर्ट्रेस पास नहीं है। चलो बात बंद करते हैं। तो हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ही देना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, शायद कुछ हिम्मत आ जाए इस गेम को खेलने की। टिल देन बाय बाय। सही मौके पर कर क्या भाई तू।